इंडेक्स इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज करवा चौथ की मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ जिसको लिखा है पीयूष कुमार ने। आज से एक प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा जिसका नाम रहेगा पीयूष कुमार की कलम से। प्रेम पर एक स्मरण आपसे साझा कर रहा हूँ। एक दिन मेरा छोटा भाई सरकारी अस्पताल में इलाज के तौर तरीकों को दिखाने ले गया। ओपीडी मरीजों से खचाखच भरा हुआ था। सरकारी स्टाफ ने मरीज का नाम पुकारा तो लगभग 65-70 साल की एक बूढ़ा और बूढ़ी उस भीड़ से बाहर निकलकर आए। गंदे वस्त्र, शरीर दुबला और उनके हाव भाव से यह स्पष्ट हो चुका था कि वो लोग बहुत ही गरीब। बूढ़ा सहारा देकर बूढ़िया को लाया और टूल पर उसे बिठाया। बुढ़िया के थायराइड में गांठ थी जिसे वो पिछले ओपीडी में दिखा चुके थे। आज वो अपनी सारी जांचों की रिपोर्ट को दिखाने आए थे। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने मेरे भाई और बाकी जूनियर डॉक्टर्स को बताया कि इसे थायराइड कैंसर है। अब उन्होंने बूढ़े को बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी बड़ी हो जाएगी। बुढ़िया बोली, नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं। कोई सस्ती दवाई लिख दीजिए ताकि दर्द कम हो जाए, हम फिर आ जाएंगे। अब डॉक्टर ने कहा, ये दवाई से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करा लो, देर करोगे तो रोग बढ़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा। बूढ़ा कहीं इस नरभक्षक कैंसर के बारे में सुन रखा था। इतना सुनते ही वो फपक फपक कर रोने लगा। उसके झुक चुके कंधों ने न जाने कितनी विपत्तियों का बोझ उठाया होगा। उसकी झुर्रीदार चेहरे ने न जाने कितने गमों को छुपाया होगा। उसके डगमगाते पैरों ने न जाने कितने बाधाओं को पार किया होगा। उसकी बुझती आंखों ने न जाने कितने अंधेरों को देखे होंगे। पर आज बात उसकी बुढ़िया की थी। संकट उसके दाम्पत्य पर था। उस व्यक्ति ने न जाने कितनी बार अपने जान की बाजी लगाई होगी, पर आज बात उसकी बुढ़िया की जान की थी। कहते हैं मर्द आंसू नहीं बहाते, पर शायद वो रो भी नहीं रहा था। बुढ़िया के लिए उसके हृदय में जो प्रेम था शायद उसी की धारा बह निकली थी। बूढ़े को रोते हुए देख और बुढ़िया भी रोने लगी और उसका ढाढ़स बधाते हुए बोली कि सब ठीक हो जाए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाए। कुछ पलों के लिए ओपीडी में सन्नाटा छा गया। सभी गमगीन हो गए थे, कुछ एक तो रोने भी लगे थे। मैं विचलित हो गया। माहौल को संभालने के लिए अनुभवी डॉक्टरों डांटने की आवाज में बोला, बूढ़े से कहा कि रोने से अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम भी साथ में बैठकर रोते हैं, ऑपरेशन होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो अगले ओपीडी में भर्ती होने के लिए डेट लेकर चले गए। मैं मन ही मन सोचने लगा, आज दुखों का पहाड़ उसके मन पर नहीं बल्कि उसके हृदय पर टूटा था। मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमाने वाला वो आदमी कभी अपने बुढ़िया को कोई उपहार नहीं दिया होगा। वो उस दौर उस परिवेश के थे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ ये वाक्य कभी एक दूसरे को बोले भी ना हो, पर प्रेम की परिपूर्ण उस बुढ़े की आंखों से गिरते हुए आंसुओं का सामना दुनिया के सबसे महंगे तोहफे कर सकते हैं क्या? उसके वो भरे गले से निकली गिड़गिड़ाती आवाज से बेहतर तरीका हो सकता है क्या? क्या प्रेम प्रकट करने का वो कभी घुटने का बल बैठकर अपने प्रेम का इजहार नहीं किया होगा, पर कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए अपनी बुढ़िया के जीवन के लिए गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर के पैर को पकड़ते हुए उस बूढ़े की पवित्र प्रेम की इजहार से कोई श्रेष्ठ तरीका हो सकता है क्या? उस बूढ़े का झुर्रीदार चेहरा, गरीबी में फटेहाल वस्त्र और लड़खड़ाती आवाज हम सब शिक्षित और सभ्य और संस्कारित युवाओं को आज प्रेम का पाठ पढ़ा रहा था। प्रेम कभी भी संबंधों से खुशियां नहीं ढूंढता। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, अर्थात उसकी विवेचना संभव ही नहीं है। प्रेम गुण रहित, कामना रहित, प्रति क्षण बढ़ते रहना है, विच्छेद रहित, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और अनुभव का रूप है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो दूं तो सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।